नेता नवाब मलिक का बड़ा आरोप, देवेंद्र फडणवीस के संरक्षण में चल रहा था जाली नोटों का कारोबार। महाराष्ट्र में चल रहा था, देवेंद्र जी के प्रोटेक्शन में जाली नोट का खेल इस महाराष्ट्र में चल रहा था। नवाब मलिक का आरोप, जाली नोटों के मामलों की जांच जानबूझकर एनआईए को नहीं सौंपी गई। नवाब मलिक ने पूछा, जाली पासपोर्ट के आरोप में पकड़ा गया रियाज भाटी, दो दिन में कैसे छूटा, पीएम के कार्यक्रम में कैसे पहुंचा। नवाब मलिक ने कहा कि फडणवीस और वानखेड़े हैं एक दूसरे के करीबी, मामले को भटकाने की कोशिश। मलिक के आरोपों पर फडणवीस का जवाब, हमने अंडरवर्ल्ड को कभी नहीं दिया संरक्षण। समीर वानखेड़े की पत्नी की बहन ने नवाब मलिक के खिलाफ की शिकायत, महिला के अपमान का लगाया आरोप। आर्यन केस में गवाह प्रभाकर सेन से दूसरे दिन 11 घंटे चली पूछताछ, एनसीबी विजिलेंस के सामने वानखेड़े पर उगाही में शामिल होने का लगाया आरोप। एनसीबी के डीजीजी ज्ञानेश्वर सिंह ने मुंबई पुलिस कमिश्नर हेमंत नगराले से की मुलाकात, दोनों के बीच आर्यन खान और समीर वानखेड़े पर हुई बातचीत। मुंबई के तत्कालीन पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग की, कोर्ट आज सुनाएगा फैसला। अफगानिस्तान को लेकर भारत की मेजबानी में एनएसए स्तर की वार्ता, शांति स्थिरता पर होगी चर्चा। अजीत डोभाल की अध्यक्षता में हो रही है बैठक, पाकिस्तान और चीन ने किया है किनारा। सुप्रीम कोर्ट में बोली सरकार, 1962 जैसी स्थिति से बचने के लिए सीमा पर सेना को चौड़ी सड़कों की जरूरत। पहाड़ों पर सड़क चौड़ीकरण के खिलाफ दायर अर्जी की सुनवाई में केंद्र सरकार ने कहा, टैंक्स, भारी तोपखानों और मशीनरी ले जाने के लिए सेना को चाहिए चौड़ी सड़कें। एनजीओ ग्रीन दून फॉर सिटीजन्स ने सेना प्रमुख के बयान का दिया हवाला, कहा हवाई मार्ग से सैनिकों को ले जा सकते हैं, सड़कें चौड़ी करने से लैंडस्लाइड का खतरा। असम के सिलचर में एयर इंडिया की फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, टेक ऑफ करने के तुरंत बाद नीचे उतारा गया, पिछले पहिए में खराबी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग, कोलकाता जा रही थी फ्लाइट। राजस्थान में हुई रीट भर्ती परीक्षा में नकल की साजिश, बड़े खुलासे, चप्पलों में डाली गई थी मोबाइल, एक जोड़ी चप्पल की कीमत थी 6 लाख रुपए, मास्टरमाइंड के घर से मिली 8 जोड़ी चप्पलें। सोनीपत के कुंडली सिंघू बॉर्डर पर मिला किसान का शव, पुलिस कर रही है जांच। आस्था का भाव पर छठ की रौनक, आज डूबते सूर्य को दिया जाएगा अर्थ। दिल्ली में जोरों पर छठ पूजा की तैयारियां, बीजेपी पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष ने घाटों का लिया जायजा। सहरसा में बिहार में के कला संस्कृति मंत्री ने छठ घाट का किया निरीक्षण, मौके पर डीएम और एसपी भी रहे मौजूद। बिहार के खगड़िया में छठ घाटों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए, कोविड संक्रमण से बचाव के लिए टेस्टिंग से लेकर टीकाकरण की भी व्यवस्था। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने किया खरना प्रसाद का आयोजन, तमाम नेताओं का लगा जमघट। दिल्ली के दशहरा ग्राउंड में भी छठ की तैयारियां, बनाए गए हैं घाट। नोएडा स्टेडियम में छठ महापर्व की रौनक, पूजा के लिए खास इंतजाम। लखनऊ में छठ को लेकर उत्सव का माहौल, पूजा और अर्घ की तैयारी। अयोध्या में सरयू तट पर छठ की तैयारी, पूजा का सामान खरीद रहे लोग। चंदौली में छठ पूजा के दौरान रेलवे लाइन के किनारे रहेगी विशेष चौकसी, ट्रेनों की स्पीड पर लगाई जाएगी लगाम। देश में कोरोना के 11,466 नए मामले, एक दिन में पहले से 13% ज्यादा नए केस। देश में कोरोना से 24 घंटे में 407 की मौत, अब तक 4,61,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। केरल में 6,000 से ज्यादा नए मामले, एक दिन में 384 की गई जान। देश में कोरोना के 1,39,000 से ज्यादा मामले सक्रिय, 24 घंटे में 11,900 से ज्यादा लोग स्वस्थ। 24 घंटे में 52 लाख से ज्यादा लोगों का टीकाकरण, अब तक 109,63,00,000 से ज्यादा लोगों को लगी वैक्सीन। भोपाल में 4 बच्चों की मौत मामले में नया मोड़, नगर निगम के फायर सेफ्टी अधिकारी का खुलासा, कई बार नोटिस देने के बावजूद भी कमला नेहरू अस्पताल ने नहीं किया फायर सेफ्टी नॉर्म्स का पालन। हमीदिया हॉस्पिटल में आग से बच्चों की मौत पर कांग्रेस का कैंडल मार्च, शिवराज का मांगा इस्तीफा। उमा भारती ने भोपाल के हमीदिया अस्पताल में आग से बच्चों की मौत पर शिवराज सरकार को घेरा, राजधर्म निभाने की दी सलाह। महाराष्ट्र में टीकाकरण ने पकड़ी रफ्तार, वैक्सीन की डोज 10 करोड़ के पार, राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने दी जानकारी। थाने में नगर निगम ने टीकाकरण को लेकर दिखाई सख्ती, कर्मचारियों से कहा अगर एक भी डोज नहीं लगी तो सैलरी नहीं।
आंदोलन के एक साल पूरा होने पर किसान संगठनों का दिल्ली कूच का प्लान। सूत्रों के मुताबिक 29 नवंबर को नहीं मिलेगी राजधानी में एंट्री। एक हफ्ते में किसानों और पुलिस के बीच बातचीत के आसार। रोहतक में धान की खरीद न होने से किसान नाराज। किसानों ने डीएम दफ्तर में के बाहर लगाया जैम। सहारनपुर में आरएलडी ने डीएम दफ्तर पर की नारेबाजी। किसानों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। फतेहाबाद में डीएपी खाद की किल्लत को लेकर किसानों का प्रदर्शन। सरकार और प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी। बाराबंकी में भारतीय किसान श्रमिक जनशक्ति यूनियन का जोरदार प्रदर्शन। खाद की कालाबाजारी और किल्लत को लेकर हंगामा। पंजाब में चुनाव से पहले सिद्धू के सामने सीएम चन्नी ने डाले हथियार। बदले जाएंगे एजी और डीजीपी। नए नामों पर फैसला जल्द। आज कैबिनेट ने उन्हें मंजूर कर लिया। गवर्नर साहब को भेजांगे। जदों आज ही शायद पास हो जाएगा, कल ऐसी नवा एडवोकेट जनरल लगावांगे। विधानसभा चुनाव से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में साथ आए सिद्धू और चन्नी। कहा सरकार ने तय किए बालू के दाम। खत्म हो जाएगा माफिया राज। जरूरी है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है। इसके लिए चाहे शराब की पॉलिसी हो, चाहे रेते की पॉलिसी हो, ये बहुत जरूरी है। किसानों को लुभाने के लिए चन्नी सरकार ने 3 कृषि कानून के खिलाफ बनाया प्लान। पंजाब विधानसभा में कानून के खिलाफ लाएगी प्रस्ताव। दिल्ली के रोहिणी में 7 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग। लाखों का हुआ नुकसान। सवाई माधोपुर में 7 साल की बच्ची से रेप की कोशिश में 10 साल की सजा। 72,000 का जुर्माना लगाया गया। दौसा में गुरुग्राम की महिला से गैंग रेप में बड़ी कार्रवाई। पीड़िता की सहेली के साथ 5 गिरफ्तार। कौशाम्बी में बिजली विभाग के कर्मचारी की पिटाई। दबंगों ने लात कूसों से पीटा। वीडियो वायरल। एमपी के श्योपुर में नाबालिग लड़की से दुष्कर्म। केस दर्ज। आरोपी की तलाश में पुलिस। फरुखाबाद में प्रेम विवाह में मर्डर। पति को ससुराल वालों ने मारकर गड्ढे में दबाया। झारखंड के धनबाद में 8 लाख की लूट में खुलासा। अंतर्राज्यीय कुख्यात अपराधी समेत 3 गिरफ्तार। सीकर में जमीन विवाद में 2 पड़ोसियों के बीच मारपीट। 1 लाख रुपए छीनने का भी मामला आया सामने। जबलपुर में अवैध कब्जे से लेकर सूटखोरी का नेटवर्क चलाने वाला अपराधी गिरफ्तार। महादेव पहलवान को पुलिस ने सुबह सुबह घर पर ही दबोचा। इंदौर में कार की चोरी करते लड़की कैमरे में कैद। बाद में पुलिस ने किया गिरफ्तार।